Hi guys, you are watching Pharmacist Tayyeb YouTube channel and I am Tayyeb. Suspension की एक definition ये है ऐसी coarse dispersion जिसके अंदर drug जो है वो insoluble हो लेकिन distributed हो dispersed हो किसके अंदर एक liquid medium जिसे हम vehicle भी कहते हैं. ऐसे coarse dispersion को हम क्या कहते हैं suspension कहते हैं. लेकिन साथ में इसकी एक कंडीशन है पार्टिकल साइज की तो हमें डिफरेंट रेफरेंस से डिफरेंट जो है वो साइज रेंज मिलता है. नियर अबाउट और कैलकुलेट किया जाए तो ये जो दो तीन साइज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये राउंड अबाउट नजदीक नजदीक ही हैं. यानी सारे कोर्स डिस्पर्शन की रेंज में आते. पहले हमारे पास है जी फॉल बिटवीन 10 to 15 माइक्रोमीटर. दूसरी रेंज जो मिलती है हमारी ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर. नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर. इनमें से कोई एक रेंज हो पार्टिकल साइज की और वो इनसोल्युबल ड्रग हो और वो डिस्पर्स हो किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर तो ऐसे कोर्स डिस्पर्शन को हम सस्पेंशन कहेंगे. आए हम देख लेते हैं सस्पेंशन को एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रिपरेशन कंटेनिंग द फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल वी कॉल्ड इट एज सस्पिनॉइड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड समवट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल. हमारे पास एक सॉलिड ड्रग पार्टिकल है जो जिसे हम सस्पिनॉइड का नाम दे देते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली किसके अंदर व्हीकल के अंदर. कौन से व्हीकल के अंदर जिसमें उस ड्रग की जो है वो सोलबिलिटी वो मिनिमम होती है. आए इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन है जी हमारे पास किस चीज का इनसोलबल सब्सटेंस आर ड्रग दैट इज इन सॉलिड फेस एंड द लिक्विड एज ए कंटिन्यूस आर डिस्पर्शन मीडियम. एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जी. सॉलिड इनसोलबल फेस इज डिस्पर्स्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज आर डिस्पर्स्ड फेस एंड इनटू लिक्विड एज आर डिस्पर्शन मीडियम. कोई भी अगर आप की डेफिनेशन देखें उसमें हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है कि इसमें दो फेजेस है. सबसे पहले जो हमारे पास डिस्पर्स फेज है जो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है डिस्पर्स हुई हुई है किसके अंदर व्हीकल के अंदर. उस व्हीकल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो उस ड्रग के लिए जो है वो इनसोल्युबल उसकी प्रॉपर्टी है कि ड्रग उसके अंदर जो है वो उस व्हीकल के अंदर सोल्युबलाइज नहीं हो रही डिसॉल्व नहीं हो रही सिर्फ क्या उसके अंदर जो है वो डिस्पर्स हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे सस्पेंशन कहेंगे. आए तो देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं. फर्स्ट हमारे पास है जी एंटेस्टेड ओरल सस्पेंशन है एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन ये मोस्टली एंटीबायोटिक होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एनल्जेसिक ओरल सस्पेंशन. नेक्स्ट हमारे पास है जी एंथेलमेंटिक ओरल सस्पेंशन. नेक्स्ट हमारे पास है एंटी कन्वल्सेंट ओरल सस्पेंशन और नेक्स्ट हमारे पास है जी एंटी फंगल ओरल सस्पेंशन. तो आपने देख लिया होगा कि एक लार्ज रेंज है इसमें सस्पेंशन में जो उसके यूज की बुनियाद पे इसकी एग्जांपल्स आपके सामने रखी कि सस्पेंशन का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है. यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट एक्टिव एजेंट हैं उनकी जो है वो हम सस्पेंशन बना सकते हैं तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही अहम है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस बेल आइकॉन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.